व्हाट इज अप पीपल, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो फिलहाल का वीडियो का टॉपिक ये है कि हाउ टू राइड अ बाइक, जो कि हम लोग अभी बनाने वाले हैं वीडियो को। आप वीडियो का एंड तक देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफी ठंड है फिर भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे द्वारा आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो वीडियो का एंड तक देखना। अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बहुत ही 200 के क्लोज है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो काफी अच्छा लगेगा। न्यू ईयर पे हम लोगों को भी सरप्राइज मिल जाएगा। सो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को तीन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ABC। ठीक है, जैसे कि अभी बचपन में हम लोग अल्फाबेट में पढ़ते हैं ABC वैसे ही टाइप। तो ए मतलब एक्सेलरेटर, सेकंड बी मतलब ब्रेक और सी मतलब क्लच। ये तीनों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज है जो कि है गियर, वो बाद में करते हैं। सो बेसिकली मैं आप लोगों को आप लोगों को बोल देता हूँ कौन सा चीज कौन सा है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो चीज है, अब थोड़ा जूम करिए, ये जो चीज है इसको बोलते हैं क्लच, और ये जो है इसको बोलते हैं एक्सेलरेटर, जिससे गाड़ी स्पीड से भागता है। ठीक है, और इधर आइए आप, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, और इसको कहते हैं ब्रेक, जो कि ब्रेक अगर स्पीड में रहने से बाइक को रुकाता है। ठीक है, ये तीन चीज आप लोगों को जैसे पता होना चाहिए। अगर आप बाइक बिगिनर हैं, अगर आप बाइक चलाना चाहते हैं, तो आपको ये तीन चीज पता होना चाहिए, एक्सेलरेटर, क्लच और ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का बात कर लेते हैं। तो और एक ब्रेक है जो कि फ्रंट में ब्रेक, ये ब्रेक हम लोगों को तब मारना है जब गाड़ी थोड़ा सा स्पीड में हो, जैसे कि 20-10 के स्पीड में हो, तब हम इसको मार सकते हैं। ज्यादा जोर से मारने से एक्सीडेंट होने का चांसेस 100% रहता है इस बाइक में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट करके। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, अभी हमारे पास है ये चाबी, ये बाइक का चाबी है, जिसको पहले फर्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना है, बाइक को ऑन करना है। ठीक है, मैं बिगिनिंग से एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ, ये नहीं कि पूरा बेसिक मैं आप लोगों में बेसिक बता के फिर मैं बाइक राइड कैसे करना है वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये है कि इसको हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे बाइक का। आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम बाइक को इंसर्ट करेंगे, ऑन कर देंगे, जो कि इग्निशन ऑन हो चुका है। जहाँ पर आप लोग देख, पहले आप लोग बाइक स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखना, थोड़ा मीटर के पास लाइए आप, ये न्यूट्रल जो कि बाइक पे दिखना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल अगर नहीं होगा तो बाइक अगर सेल्फ मारेंगे तो बाइक भागेगा सामने से, जिसके कारण कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पहले आप चेक कर लेना न्यूट्रल है या नहीं है बाइक। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सेकंड स्टेप क्या करना है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। सेकंड स्टेप जो है वो है सेल्फ, जो कि आपको मारना है, और जैसे कि सेल्फ मारने से ही बाइक स्टार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप लोगों को पता है चाबी ऑन करना है, सेकंड स्टेप जो कि गाड़ी स्टार्ट करना है। ठीक है, ये दो आप लोगों को पता चल गया। अभी चीज जो है इसको बोलते हैं गियर, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो गियर है इससे ही बाइक चलता है, मतलब अगर आप इसको फर्स्ट में डालेंगे तो गाड़ी मतलब चलेगा, न्यूट्रल से फर्स्ट में डालेंगे तो गाड़ी चलने लगेगा। और इसमें बेसिकली इस बाइक में 5 गियर है, किसी बाइक में 5 गियर नहीं होता है, 4 गियर भी होता है, तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और सब चीज सेम है। और बेसिकली अभी बहुत सारे बाइक्स में नया बाइक जो है आप लोगों को मिलेगा कि एक फर्स्ट ब्रेक, फर्स्ट गियर फ्रंट में है, उसके बाद सेकेंड से सब ऊपर है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को बता के दूंगा। ठीक है, तो आज अभी हम लोग प्रोसेस की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को बाइक को पहले आप स्टैंड देख लीजिए, अगर गिरा हुआ रहेगा तो आपको उठाना है, पहले स्टैंड उठाना है, उसके बाद आपको सेल्फ मारना है। सेल्फ मारने के बाद अब जैसे कि स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको क्लच करना है, क्लच करने के बाद आपको गियर फर्स्ट, ये जो गियर है इसको आप लगाना है ऐसे पैर से ऐसे करके, उसके बाद आपको धीरे धीरे एक क्लच को आपको धीरे धीरे छोड़ के एक्सेलेरेटर को थोड़ा सा बढ़ाना है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। धीरे 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 गाड़ी चलने लगा, ये देखिए तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट गियर में कैसे चल रहे, तो वो सेकंड और थर्ड में हाईवे हम रोड पे बनाऊंगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी बाइक चलाना सीखे तो किसी एक्सपीरियंस इंसान को पीछे बैठाइए और आप हेलमेट लगाइए, क्योंकि भाई बहुत रिस्की हो जाएगा अगर विदाउट हेलमेट आप बाइक राइड करते हैं या फिर कुछ करते हैं। सो इसके लिए मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हेलमेट लगाइए और फिर चलाइए, और आप रोडवे पे मत चलाइए, कुछ ऐसे खाली जगह जैसे कि पार्क हो गया या फिर कहीं और आप प्लेग्राउंड पे आप चला सकते हैं इस बाइक को, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप रोड पे ना चलाएं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और एक लाइक कर देना। बहुत ही मेहनत लग रहा है इस वीडियो बनाने में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धांसू आने वाला है, इसीलिए आप अपडेटेड रहना इस चैनल पे। मेरे चैनल पे बेसिकली बाइक रिलेटेड वीडियोस आएगा और ट्रेवलिंग टाइप आएगा। सो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस चैनल को, और सोच रहे हैं कि न्यू ईयर से पहले 200 सब्सक्राइबर हो जाए, बहुत ही अच्छा लगेगा हम लोगों को। सो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं यहाँ पर बाइक को घुमाने वाला हूँ, और घुमा के मैं आपको ऐसे इशारे से बोलूंगा मैंने कितना नंबर गियर तक यहाँ पर घुमाया, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है। सो अभी मैं फर्स्ट पे यहाँ स्टार्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट गियर पे लगा दिया मैंने, और ये
गाइस यहाँ पर मैंने 3 नंबर तक, तो गाइस यहाँ पर मैंने 3rd गियर तक मैंने इसको चलाया है, और आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा हाईवे पे जाके कि कैसे मतलब गियर शिफ्ट करना है। सो गाइस अभी देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि हम लोग 1st गियर पे हैं, अभी हम लोग क्लच को इस तरह पकड़ के प्रेस करेंगे, फिर 2nd गियर पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लच को छोड़ के धीरे धीरे एक्सेलेरेटर को प्रेस करेंगे, ऐसे घुमाएंगे ऐसे, उसके बाद गाड़ी चलने लगेगा। फिर कुछ देर चलने के बाद अगर 20 का स्पीड में आ गया गाड़ी, तो आपको 3 नंबर पे चेंज कर लेना है गियर को, ठीक है। 3rd पे मैंने चेंज कर दिया, अब धीरे धीरे चल रहा है बाइक, आप देख सकते हैं। अब थोड़े दूर थोड़ा स्पीड होने के बाद बाइक पे, जैसे कि 30+ होने के बाद, अब 4th पे लगा दीजिए। 4th पे मैंने लगा दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को फिर थोड़ा सा स्पीड होने के बाद, अगर आपके गाड़ी में 5th गियर है तो आप 5th गियर लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लगाना, 4th गियर पे रहने देना। अभी मेरे पास 5th है तो मैं 5th लगा देता हूँ, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग लगा देना, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिफ्थ गियर पर लग गया मेरा गाड़ी, और अभी स्मूथली चल रहा है। स्पीड में दिखा देता हूँ, मैं स्पीड स्लो ही कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। 30 के रेंज में स्पीड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है। और अब रोकने का बारी, थोड़ा सा कैमरा पकड़ना मेरा, मैं अपने भाई को कैमरा दे रहा हूँ। अब रोकने का बारी, आपको क्या करना है, आप देखिए क्लच जो है इसको पहले ब्रेक, पीछे का ब्रेक को पहले थोड़ा थोड़ा प्रेस करके आपको क्लच करना है, ठीक है। क्लच करने के बाद गियर थोड़ा सा कमाना है, 1 पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट का ब्रेक को हल्का हल्का प्रेस करना है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि रुक गया। तो आप लोग, हम लोग इधर चलते हैं थोड़ा सा, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 2nd पे अभी है। अब रोकने का टाइम मैं आप लोगों को फिर से और एक बार दिखा देता हूँ। रोकने के वक्त नीचे का ब्रेक, आप फोटो दिखाना, नीचे का ब्रेक को ऐसे प्रेस किया मैंने, उसके बाद क्लच किया, ठीक है। क्लच करने के बाद मैं थोड़ा 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 फ्रंट का ब्रेक में मारता हूँ, अभी फ्रंट का ब्रेक में मारता हूँ, ठीक है। फ्रंट का ब्रेक मारने के बाद गाड़ी, फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे का शिफ्ट करना है। हाँ, नीचे का शिफ्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर N लिखा हुआ आएगा, तब आप लोगों को ये क्लच को छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद आपको बाइक को ऑफ करना है, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया, आई होप। सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम लोगों का टारगेट है इस साल के अंदर 200 सब्सक्राइबर क्रॉस करने का, फिलहाल आप लोगों का प्यार रहा तो हो ही जाएगा। और मेरे चैनल पे डेली 10 बजे वीडियो आता है, एवरी ऑल्टरनेटिव डे सुबह के 10 बजे आता है, आप विजिट करके देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और वीडियो रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा बाइक के रिलेटेड। सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।